हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। चंद्र ग्रहण 2022 7 या 8 नवंबर भारत में कितने बजे, जाने सूतक काल का समय। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का लगना दोनों ही एक खगोलीय घटना मानी जाती है। ज्योतिष अनुसार ग्रहण से संबंधित सावधानियां, नियम व सूतक का खास महत्व होता है, इसीलिए इनका पालन करना चाहिए। इससे पूर्व 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण पड़ा था और 15 दिन के अंदर ही ये दूसरा ग्रहण पड़ने जा रहा है। ज्योतिषाचार्यों की माने तो 15 दिन के अंदर दो ग्रहण का होना शुभ नहीं माना जाता है। आज हम आपको नवम्बर माह में लगने जा रहे साल के अंतिम चंद्र ग्रहण की सही तारीख, सूतक काल का समय, ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं और इस दौरान क्या करें क्या ना करें, इस बारे में बताएंगे। चंद्र ग्रहण तिथि व सूतक काल का समय। साल 2022 का दूसरा व अंतिम चंद्र ग्रहण 8 नवंबर मंगलवार को कार्तिक मास की पूर्णिमा और देव दिवाली के दिन लगेगा। भारतीय समय अनुसार ग्रहण 8 नवंबर की शाम 5:32 से शुरू होकर शाम 6:18 पर समाप्त होगा। ग्रहण का सूतक काल करीब 9 घंटे पहले 8 नवंबर प्रातः काल 9:21 से लेकर सायंकाल 6:18 पर समाप्त होगा। यह खगराज चंद्र ग्रहण होगा जो भारत में भी देखा जा सकेगा। चंद्र ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा। साल 2022 का आखिरी चंद्र ग्रहण भारत के कोलकाता, सिलीगुड़ी, पटना, रांची, गुवाहाटी में दिखाई देगा। इसके अलावा ग्रहण अन्य देशों में एशियाई द्वीपों, दक्षिण पूर्वी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका, पैसिफिक, अटलांटिक और हिंद महासागर में दिखाई देगा। हालांकि भारत में पूर्ण ग्रहण केवल पूर्वी भागों में ही दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करें क्या ना करें। धार्मिक मान्यता अनुसार ग्रहण के सूतक काल लगने से पहले मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं, क्योंकि ग्रहण के दौरान कोई भी धार्मिक कार्य या मूर्ति पूजा नहीं की जाती है। ग्रहण काल में सोना वर्जित माना जाता है। ग्रहण के सूतक काल लगने के बाद घर में भोजन पकाने और ग्रहण करने की मनाही होती है। हालांकि शास्त्रों में बीमार, बूढ़े और बच्चों को इसकी कोई मनाही नहीं है। ग्रहण के दौरान वातावरण में नकारात्मक शक्तियाँ प्रभावी रहती हैं, इसीलिए गर्भवती महिलाओं को घर पर ही रहना चाहिए। प्राचीन मान्यता अनुसार ग्रहण लगने से पहले ही खाने पीने की चीजों में तुलसी का पत्ता या कुशा डालकर रखनी चाहिए। इससे खाने पीने की चीजों में ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। ग्रहण के दौरान अपने इष्ट देव का ध्यान और जाप करते रहना चाहिए। ग्रहण समाप्त होने के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। ग्रहण के प्रभाव को कम करने के लिए ग्रहण समाप्त होने पर दान आदि करना शुभ होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।